चलो कूद जाओ। याद है पिछली दफा तुमने मुझे बंदूक और गोली दी थी? बिल्कुल ठीक कहा। आ है जैक की बंदूक, लाओ मुझे दो। अब जब हम दो आदमी हैं तो शराफत से दो बंदूकें दो ना हमें। पहले की तरह इस बार भी एक ही बंदूक मिलेगी। तुम अच्छे आदमी बनकर लड़की को उड़ा देना और खुद भूख के मारे मर जाना। आज दूसरी बार वो सलाह बुड्ढा मेरी आंखों के सामने मेरा जहाज ले गया। पर तुम पहले भी तो इस टापू पर अकेले रहे हो, पहले की तरह इस बार भी हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। पर किस लिए और फायदा क्या है बताओ तो? जहाज तो गया तो फिर जाएंगे कैसे? हाँ, अगर तुमने अपने कपड़ों में कोई जहाजबाज छुपा रखा है तो बोलो। वैसे भी तुम्हारे उन तक पहुंचने से पहले तुम्हारा बिल मर चुका होगा। पर तुम कप्तान जैक स्पैरो हो, तुम्हें कभी किसी कैद की दीवारें नहीं रोक पाई हैं। तुम तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी भाग निकले थे। तुमने एक गोली चलाए बगैर शहरों पर कब्जा किया है। क्या तुम वही लुटेरे हो जिसके बारे में मैंने इतना सुना था? तुम पिछली बार यहाँ से कैसे बच निकले थे? कैसे निकला तुम यही जानना चाहती हो ना? तो ठीक है बताता हूँ। पिछली बार गैर कानूनी दारू का धंधा करने वाले अपना माल छिपाने आए थे और मैं उनके साथ सौदा करके यहाँ से निकल गया था। अंदर रखी दारू देखकर लगता है उनका धंधा बंद हो गया है। शायद तुम्हारे उस साले नॉरिंगटन ने उनका धंधा चौपट कर दिया। तो ये है असली राज, ये है राज जाने माने जैक स्पैरो के सफर का। तुम तीन दिन तक यहाँ शराब पीकर बेहोश रहे। तो तुम भी बेहोश हो जाओ ना। पकड़ो।